हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजकुमार एजुकेटर में। आज मैं 12th क्लास के बच्चों के लिए ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मानव बस्तियां पढ़ाने जा रहा हूं। सभी लोग कहीं ना कहीं रहते हैं, जहां पर लोग रहते हैं उन्हें मानव बस्तियाँ कहा जाता है। जैसे कि मानव बस्ती ऐसे स्थानों को कहा जाता है जहाँ मानव संगठित रूप से अथवा समूह में स्थायी आवास बनाकर निवास करते हैं। जहाँ पर लोग समूह में रहते हैं और स्थायी निवास बनाकर रहते हैं उन्हें मानव बस्तियाँ कहा जाता है। बस्ती की सबसे छोटी इकाई मकान है। बस्ती की सबसे छोटी इकाई मकान है क्योंकि बिना मकान के आदमी रह नहीं सकता। चाहे मकान पक्का हो, कच्चा हो या झोंपड़ी हो, कोई ना कोई होना ज़रूरी है जिससे वह अपना गुजारा कर सकता है। गांव, कस्बे, नगर आदि मानव बस्तियों के उदाहरण हैं। जैसे कि गांव में लोग रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, नगरों में रहते हैं, यह सभी के सभी मानव बस्तियों के उदाहरण हैं। बस्ती के आकार एवं प्रकार। बस्ती दो प्रकार की होती है, जैसे कि ग्रामीण बस्तियाँ और नगरीय बस्तियाँ। जो छोटे छोटे आकार की होती हैं, बहुत ही विरल होती है, उन्हें ग्रामीण बस्तियाँ कहती हैं। और जो बड़े आकार की होती है, सघन रूप से संख्या पाई जाती है, सघन रूप से घर पाए जाते हैं, उन्हें हम नगरीय बस्तियाँ कहते हैं। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार अब देखते हैं। ग्रामीण बस्तियाँ कितने प्रकार की हैं। ग्रामीण बस्तियाँ चार प्रकार की पाई जाती हैं ज़्यादातर। नंबर 1 गुच्छित बस्तियाँ, नंबर 2 अर्धगुच्छित बस्तियाँ, नंबर 3 पल्ली बस्तियाँ, नंबर 4 परीक्षित बस्तियाँ। तो ये चार प्रकार की बस्तियाँ होती हैं। अब देखते हैं कि गुच्छित बस्तियाँ किसे कहते हैं। जिसमें घर बहुत ही संकरे होते हैं, छोटे छोटे घर होते हैं, सटे हुए घर होते हैं, गलियाँ बहुत ही संकरी होती है, छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, तो उन्हें हम गुच्छित बस्तियाँ कहते हैं। यह ज़्यादातर जलोढ़ मैदानों में पाई जाती हैं और उत्तरी पूर्वी राज्य के में पाई जाती हैं। जैसे कि राजस्थान में यह ज़्यादातर बस्तियाँ पाई जाती हैं। नंबर 2 अर्धगुच्छित बस्तियाँ। अर्धगुच्छित बस्तियाँ वो होती हैं जो गुच्छित बस्तियों को विखंडित करके बनाया जाता है। यानी कि जो गुच्छित बस्तियाँ होती हैं उन्हें विखंडित कर दिया जाता है, फैलाव कर दिया जाता है, उन्हें हम अर्धगुच्छित बस्तियाँ कहते हैं। यह ज़्यादातर गुजरात में, राजस्थान में पाई जाती हैं। नंबर 3 पल्ली बस्तियाँ। पल्ली बस्तियाँ वो होती हैं जो छोटे छोटे गाँव होते हैं उनके समूह को पल्ली बस्तियाँ कहा जाता है। जो छोटे छोटे गाँव होते हैं उनके समूह को छोटी पल्ली बस्तियाँ कहा जाता है। यह ज़्यादातर मध्य और निम्न गंगा के मैदान में, जैसे कि छत्तीसगढ़, हिमालय की निचली पहाड़ियों पर ये बस्तियाँ पाई जाती हैं। नंबर 4 प्रक्षिप्त बस्तियाँ। प्रक्षिप्त बस्तियाँ वो ये भारत के सुदूर जंगलों में, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगलों में पाई जाती हैं, जो कि बहुत ही दूर दूर पाई जाती है। इसमें घर बहुत ही कम मात्रा में होते हैं, दो दो चार चार घर या एक एक दो दो घर मिलते हैं। ये ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं, जैसे कि मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल जैसे राज्यों में यह बस्तियाँ पाई जाती है। और वो लोग वहाँ पर खेती करते हैं, अनेकों प्रकार की खेती करते हैं, तो इस वजह से वह थोड़े ही मात्रा में रहकर गुजारा करते हैं। तो यह थी हमारी बस्तियों के बारे में जानकारी। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे नगरीय बस्तियों का विकास कैसे हुआ है और किस तरह के नगर पाए जाते हैं, वह हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।